कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों में समर्थन मूल्य से कम फसल खरीदने वालों पर होगी कार्यवाही। सुई से लेकर ट्रैक्टर तक मिलेंगे आदर्श कृषि मंडी में कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। नसुलागंज रहती की मंडियों को आदर्श मंडी बनाया जाएगा। कृषि व्यापारी संघ एवं नसुलागंज नगर परिषद अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा ने किया मंत्री पटेल का भव्य स्वागत। कृषि मंत्री कमल पटेल 7 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा पर। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं हरदा विधायक कमल पटेल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ 5 फरवरी को ओमकारेश्वर से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की, जो 12 फरवरी को समाप्त होगी। हंडिया नीमवर बार में आज शाम 6 बजे नसुलागंज से गुजर रहे थे मंत्री पटेल, जिनका नसुलागंज कृषि व्यापारी संघ एवं नसुलागंज नगर अध्यक्ष एवं पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा व नसुलागंज के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। एवं कृषि मंत्री ने किसानों एवं मीडिया को बताया कि नसुलागंज एवं रहटी कृषि मंडी को आदर्श मंडी बनाया जाएगा, जिसमें किसानों की हर जरूरत का सामान मिलेगा। सुई, साबुन, सब्जी, तेल से लेकर ट्रैक्टर तक मिलेंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार 5100 रुपए से कम चना कोई नहीं खरीद सकता। मंडियों में एवं बाहर समर्थन मूल्य से कम में कोई व्यापारी किसानों से फसल नहीं खरीदेगा। किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिलने से किसानों को 8000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नसुलागंज से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। आदर्श मंडी बनाई जाएगी जी। किसान को खाद बीज दवाई वहीं मिलेगी। एक किसान कैंटीन बनाएंगे जिसमें घरेलू सामान भी वहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा जी। और वहीं एक किसान क्लिनिक भी होगी। और किसान को इस बार हमने चना, सरसों, मसूर जो समर्थन मूल्य में खरीदते थे, समर्थन मूल्य में हमने 5 में कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, उससे किसानों को 8000 करोड़ से 16000 करोड़ ज्यादा मिलेगा। मतलब समर्थन मूल्य से कम खरीद नहीं होगी कहीं भी, हम खरीदेंगे तो रेट मिलेगा। इससे 8000 करोड़ से लेकर 16000 करोड़ किसान की जेब में ज्यादा आएगा। वो मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2x22 तक करने का, हमने 21 में कर दिया। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।